भाई अब हम खाना खा रहे हैं। नेट बंद होने के साथ साथ यहाँ पे दुकानें भी बंद हो गई हैं। इन लोगों ने कुछ है नहीं किए, हमारी मूवी क्या भी होला अमीगोस, कितना ऑफिस आ रहे यार आज थोड़ा नया बोला तो भाई बताना भाई कैसे हो, बताइए देना कमेंट में बताओ यार, कुछ बातचीत करो। तो भाई पहले के दो व्लॉग आपको अच्छे लगे तो बहुत ही बढ़िया है, ये वाला व्लॉग आज काफ़ी मज़ेदार होने वाला क्योंकि मैं आ गया हूँ श्रीनगर, बुआ की बेटी की शादी है तो आज है लेडी संगीत। उससे पहले यार एक और चीज़ की टेंशन थी मेरे को कि भाई टैक्सी को मैं कहाँ पर रखूँगा, टैक्सी कहाँ रहेगी अकेले, क्योंकि सब कुछ होती है जिसके पास पेट होगा उसको पता ही होगा कि भाई जो डॉग होता है उसे रखना ही पड़ता है। लेकिन देख लो पीछे इसको साथ में लेके आया हूँ, इसको कहीं पर अकेला घर पर नहीं छोड़ा, टैक्सी हमारे साथ ही है शादी पे। पहले आपको दिखाता हूँ शादी का सारे फंक्शन होने का वाले हैं, पीछे वो पैलेस है उसका नाम है रॉयल रतन पैलेस, तो वहीं पे शादी होगी सारी और हम यहाँ पे सामने हमने यहाँ पे रूम लिया है और टैक्सी यहीं पे रहेगी हमारे साथ, टैक्सी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मज़ा मैं एकदम खुश हूँ क्योंकि टैक्सी हमारे पास ही रहेगी, ऐसे हमको टेंशन रहती है टैक्सी की क्योंकि इसको हम कभी अकेले छोड़ते नहीं हैं। तो भाई वो देखो ठीक, ये देखो। तो भाई एक और बंदे से मिलाता हूँ आपको मैं जिसको टैक्सी बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, वो है ये। तो भाई अब एक और फ़ायदा है कि अब एकदम पास में ही है, मतलब 2-3 स्टेप चलने और हम वापस आ जाएंगे इसके पास, तो यहाँ पे हम खेल सकते हैं इसके साथ मज़े से। और भाई खेलने के लिए मैं बंदा लेके आया साथ में, ये है वो। तो भाई हम खेलेंगे इसके साथ जब भी फ्री होंगे, फ्री क्या होंगे टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो हम खेलने के लिए आएंगे। इसके साथ बॉल लेके आए, इसके सारे टॉयज लेके आए साथ में और अभी वो वहाँ पर रेस्ट कर रही है, शायद थक चुकी है वो, देखो तो उसे बैठने दो वहीं पे। ओ यार मैंने सोचा आप लोगों को रूम भी दिखाई देता हूँ, तो भाई ये है रूम टैक्सी का, यहाँ पे टैक्सी रहेगी पूरे टाइम, खाना वाना मस्त चिकन वगैरह चलेगा उसका, तो भाई एकदम रिलैक्स हूँ मैं क्योंकि अब टैक्सी की इतनी टेंशन नहीं है। ऐसे होती है तो भाई सीधे होते हैं तो गिर गया ना काफ़ी बेइज्जती होगी, तो भाई अब सही है सारा। तो भाई अब हम आ गए हैं पैलेस के अंदर, पैलेस का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, काफ़ी मस्त है। और भाई ये है मेरा दूसरा कज़न, ये है आयु, तो भाई हम थोड़ी देर में तैयार होने वाले हैं, आपको अंदर का दिखाता हूँ। तो भाई आए शुरू मालूम अरे, तो यार अब ना हम पैलेस के अंदर आ गए हैं, मतलब जहाँ पे फंक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पे भी कोई भी रेडी नहीं हुआ है, सारे अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये देखो जो फ़ोन चला रहे हैं मेरे पीछे, तो भाई काम पे लगा दिया इन लोगों ने, कुछ है नहीं। ये देखो इसको, ये मेरे फूजी लेके आए हैं, थोड़ा सा दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता इसको, हाथ में लगता है। तो अब हम पहले इसको गाड़ी में रखेंगे और फिर चलेंगे हम टैक्सी के पास, देखें टैक्सी क्या कर रही है, देखते हैं उससे मिलते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं तैयार कब होऊंगा यहाँ पे, गाड़ी देखो भाई कितनी खुली हुई है, देखते हैं थोड़ी देर में, और आज मैं जाके भी माइक लेने वाला हूँ थोड़ी देर में इसको। अभी अभी मेरे को एक और चीज़ पता चली है कि यहाँ पे नेट बंद हो गया है, बंद हो गया नेट यहाँ पे, मेरे को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे नेट बंद हो गया, तो पता नहीं मैं ब्लॉग कब ही पोस्ट करूँगा, अब घर में जाके वाईफाई पे ही पोस्ट करेंगे, इसको ब्लॉग से बाहर नहीं जा रहा है, ये ब्लॉग से बाहर है। तो अभी चलेगा भंगड़ा, इसको भंगड़ा करना है बहुत ज़्यादा, मेरी बहुत बहुत ज़्यादा भंगड़ा। यहाँ पे लाइट अब अच्छी हो गई क्योंकि लाइट आ गई, यहाँ पे तो लाइट भी नहीं थी पहले, तो यहाँ पे लाइट आ गई है। तो भाई पीछे होने वाला है, मैं माइक लेने जाऊँगा यार, माइक ले गया। तो यार नेट बंद होने के साथ साथ यहाँ पे दुकानें भी बंद हो गई हैं सारी, तो मैं माइक लेने गया था लेकिन अब वापस आ रहा हूँ। खाना खा रहे हैं और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है, तो दो बार का खाना खाएंगे हम, फिर टैक्सी के पास जाएंगे, टैक्सी को खाना खाएंगे, तैयार। तो भाई वापस आ गए हम खाना खा के और हम निकलने वाले हैं, और वो भाई साहब तैयार भी हो गया, तैयार हो गई थी जल्दी। तो भाई अब हम लेके आ रहे हैं टैक्सी का क्या, तो हम टैक्सी का खाना लेने के लिए जा रहे हैं, टैक्सी का पहले हम बाउल लेके आएंगे और फिर टैक्सी को हम खाना खिलाएंगे। पागल है हो गया, तो यार कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ मैं आपको, अपना पूरा टायर दिखाऊंगा अभी थोड़ी दिन में, लोग यहाँ पे आ गए हैं बहुत सारे और मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मारेगा। अरे ये भाई ये तो पैसे तैयार होके आ रहा अब खर्चा करने, हम आ गए हैं शादी पे तैयार होके। तो ये है मेरे सारे कज़न्स, ये है अंकित, वो है शुभी और वो ये है आशु। तो भाई आज हमें बहुत ज़्यादा डांस करना है, बहुत ही ज़्यादा, तो भाई आपको मैं हर टाइम दिखाता रहूँगा सारा व्लॉग में। तो भाई अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ये भी छोटा है पता नहीं कौन है कि कोई ना कोई तो है। हमें मिलाते हैं आपको मेरे अंकल से, तो अंकल कौन है यार, हेलो करो
करे मेरे वहाँ पे चल ही रहा था, तो अब मैंने सोचा कि थोड़ी देर आऊँ वो ट्रिक्सी को, जगह आवाज़ आई तो आऊँ वो ट्रिक्सी के साथ थोड़ा खेलूँ, तो वो आई गेस जाग गई है, सो रही थी जब मैं गया, तो उससे थोड़ा खेलेंगे। किसी को बाहर निकाला, उस वक्त खेल रहे हैं अभी जयपुर, उस वक्त खेल रहे हैं। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है, मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, और जिस दिन बैंगल सेरेमनी थी उस दिन भी बारिश लगी थी और आज भी लगी है। इसको अजीब ही चलता है, ये कुछ ना कुछ करते ही रहता है। तो अभी वो देखो वहाँ पे खेल रहे हैं, टैक्सी सोच रही है मैं गेट के बाहर निकल जाऊँगी, लेकिन नहीं, हम वापस आ रहे हैं। टैक्सी साथ खेल लिया हमने अच्छा खासा 10-15 मिनट, और उसको हमने आइसक्रीम भी खिला दिया, तो अब हम चले वापस आ जाए। वापस जा ही रहे थे कि पता चला कि हमारे कमरे की चाबी गुम गई है, तो अब वही ढूंढ रहे हैं। भाई छोटी सी चाबी थी यार, एक टैक्सी के कमरे की थी और एक हमारे कमरे की, तो वो मिल ही नहीं रही है। अगर मिली तो आपको बता दूंगा, नहीं तो व्लॉग नहीं आएगा। भाई एडिशनल हेल्प मंगाई है, ओए ऐसे ढूंढना जैसे तुमसे ही घूमी थी। अच्छा फिर क्या, अगर मैं प्रैंक किया हो, प्रैंक भाई प्रैंक नहीं है भाई, मम्मी के संग प्रैंक नहीं है, गिर गई है। ये देख ये वीडियो की शूट हो, अरे वीडियो सच्ची, अरे मम्मा करो भाई, इसको प्रैंक लग रहा है भाई, मेरी नहीं है, देख रहा गाइस ये बहुत ज्यादा प्रैंक है इसको, भाई मुझे पता है इसको लग रहा है प्रैंक हो रहा है। क्या कर रहे तू भाई, की कसम भाई बाबा, तू काम तू मार क्या प्रॉब्लम, तेरे बेटा मेरे को भरोसा नहीं। देख सुन सुन सुन, देख दो चार गेट, और क्या कर रहे नहीं मैं सर, हम देख सकते हैं नहीं सर, हम देख भाई इसको देखो, ये बहुत चालू बंदा है, ये ऐसा इंसान ना छोड़, ये अलग प्रैंक हो रहा है। ढूंढ ढूंढ, ओए टैक्सी को छोड़ दे भाई, शुभी को लग रहा है कि मैंने प्रैंक किया हुआ है और वो चला गया नान खाने के लिए। तो यार थक गए हम ढूंढ ढूंढ के, और हमें चाबी नहीं मिली, और शुभी को लग रहा है कि हम प्रैंक कर रहे हैं, तो वो आ ही नहीं रहा ढूंढने के लिए। तो भाई इतना बड़ा ग्राउंड हमने देख लिया, छोटी सी चाबी है, तो वो मिल ही नहीं रही है। इसको देखो तो अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए, बेशर्मों की तरह खाना खाएंगे जाके।